सुधीर सूरी के भरा के घर के बाहर शके नौजवान देखे गए हैं। नौजवानों के हाथ के हथियार भी सी। ब्रिजमोहन सूरी ने गोली चलाई, पहला आंदिया अनजान नंबरों तो उन्होंने पहला कॉला भी आंदिया सी, तो पुलिस के वालों ये मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले के जांच की जा रही है। कल रात को तकरीबन 10 बजे ब्रिजमोहन सूरी की 181 से कंप्लेंट आती है कि उन्होंने बम तोड़ने की धमकी मिली है, तो उस तो बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने चौकी इंचार्ज शिवाला ते एसीपी ईस्ट मौके पर पहुँचते हैं। उन्होंने हाजिरी के अपने घर तो निकल के इन्होंने घर के सामने एक पार्क पैंता वा, वो अंदर एंटर करते हैं, नाल ही अपने जिहड़े चौकी इंचार्ज है वह भी नाल ही उन्होंने एंटर करते हैं, तो एसीपी साहब भी नाल ही होंगे हैं। तो जी एक गल अलैज कर रहे हैं कि भी सामने तो कोई गोली चलाई गई है या कोई आतंकवादी उत्थे सीगे, इदा की कोई भी जी घटना है वो नहीं वापरी है। सामने तो कोई भी गोली चलानी तस्दीक नहीं हुई है। जिस वेले ये सारी घटना वापरती है जिथे दस रहे हैं कि बई कोई आतंकवादी खड़े सीगे या फायरिंग हुई है, उस टाइम तो उसे कर्णभूमि एक्सप्रैस जी सी उत्थे आउटर पर रुकी हुई सी, ये भी आप रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड तो तस्दीक किया वा, तो एनवायरमेंट जो अपना बिल्कुल सेफ है, कोई भी इदा की जरा आतंकवादी हमला है अलर्ज कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की घटना वापरी नहीं गई। सर वो कहते हैं कि पुलिस वाले नाल नहीं गए, तो इस सीसीटीवी फुटेज आप देखी है जो चौकी इंचार्ज एसीपी साहब बिल्कुल नाल नाल सीगे, तो वो जी सीसीटीवी फुटेज उस तो बिल्कुल क्लीयर है। सर वो कह रहे हैं जी कि फायरिंग की थी, क्रॉस फायरिंग हुई है इसकी? नहीं, सामने तो कोई फायरिंग होना तस्दीक नहीं होया है, हालांकि इन्होंने वालों जरूर 2 राउंड फायर किए जाते हैं मौके पर। कह रहे हैं कि कॉल्स आ रही हैं बहुत सारी, वो आप टेक्निकल जो पार्ट है वो वेरीफाई कर रहे हैं कि उस कितनी सच्चाई है कि वो होया, जो कोई गल निकल के आती बिल्कुल उससे भी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस वालों जरा सेफ एनवायरमेंट है? बिल्कुल सेफ एनवायरमेंट है जी, बिल्कुल सेफ एनवायरमेंट है। जी उसे लोग अलिच कर रहे हैं इस तरह की घटनावां, उन्होंने व्यू की है वो ही जानते हैं, बट इस तरीके की जी घटना अलिच कर रहे हैं, बिल्कुल भी ये कोई हूँ तक सच्चाई नहीं पाई गई।